नमस्कार, माय नेम इज योगेश शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे हायर के न्यूली लॉन्च साइड बाय साइड थ्री डोर कन्वर्टेबल साइड बाय साइड के बारे में। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक सबसे पहले जो खास बात बताना चाहता हूँ, ये रेफ्रिजरेटर मेड इन इंडिया है, जो इंडियन कस्टमर की नीड के हिसाब से कंपनी ने डिज़ाइन किया है। इसमें चार से पांच चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा जो इस रेफ्रिजरेटर को बाकी कॉम्पिटिटर ब्रांड से अलग बनाती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पेस के बारे में। जैसे कस्टमर की नीड्स होती है, जब वो कोई साइड बाय साइड परचेज करता है, सबसे पहले वो स्पेस का इशू होता है। मार्केट में जो कॉम्पिटिटर ब्रांड हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उसमें क्या हो रहा है कि वो एक तो डबल डोर साइड बाय साइड होते हैं, उनके केस में क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर का पोर्शन होता है वो मिनिमम 60% होता है और जो फ्रीजर का पोर्शन होता है वो 40% होता है, जो कस्टमर की नीड के हिसाब से फुलफिल नहीं होता। क्योंकि इंडियन कस्टमर को क्या होता है कि उसको रेफ्रिजरेटर के पोर्शन में ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। हायर ने एक जो ये नया रेफ्रिजरेटर अवेलेबल कराया है, इसमें क्या होता है कि आपको 83% तक स्पेस अवेलेबल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस साइड की, ये आपका रेफ्रिजरेटर पोर्शन है, इसमें आपको 62% का स्पेस मिल जाता है। सेकंड, ये आपका दूसरा पोर्शन है, इसमें आपको 21% का रेफ्रिजरेटर पोर्शन मिल जाता है। तो ये टोटल हो जाता है आपका 83%। ठीक है, उसके बाद ये है आपका फ्रीजर जोन। फ्रीजर जोन क्या है कि देखने में ये आपको छोटा लगेगा, पर ये कस्टमर की नीड के हिसाब से सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे कि हम अगर इसमें आइस क्यूब के बारे में बात करें, तो इसके अंदर में 48 आइस क्यूब अवेलेबल हो सकती हैं। अगर हम कॉम्पिटिटर ब्रांड की बात करें तो वो ओनली 24 आइस क्यूब अवेलेबल कराते हैं। ये एक यूनिक चीज़ है जो हमें बाकी दूसरों से डिफरेंट बनाती है। सेकंड चीज़, इसका फ्रीजर छोटे होने की वजह से इसमें हमें एक बेनिफिट और होता है कि इसमें जो आपका रेफ्रिजरेटर का पावर कंजप्शन है वो भी काफ़ी सेव हो जाता है। अब हम सेकंड बात करेंगे, हमने इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो है डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि फ्रिज में स्पेस होने की वजह से उसमें जो स्मेल है उनके आपस में मिक्सअप होने के चांस रहते हैं। डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है और जो रेफ्रिजरेटर के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं उन्हें डीएक्टिवेट करता है और हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स को 21 डेज तक फ्रेश रखता है। सेकेंड चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसके कंप्रेसर के बारे में मैं बात करूँगा। आज की डेट में आपने देखा होगा जो मार्केट में ओल्ड बाकी कॉम्पिटिटर ब्रांड जो कंप्रेसर पे वारंटी देते हैं, वो खाली कंप्रेसर पे वारंटी देते हैं, लेकिन हायर ओनली ब्रांड है जो कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों के ऊपर 10 साल की वारंटी अवेलेबल कराता है। बाकी ब्रांड ये चीज़ नहीं कराते। इससे क्या होता है कि आपको एक टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बेनिफिट मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो पोर्शन है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फ्रिज पोर्शन है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये पोर्शन है। इसमें क्या होता है कि ये मैजिक कन्वर्टेबल है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई सरप्राइज पार्टी है, आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, या आपको फ्रोजन फूड कुछ ज़्यादा रखना होता है, तो आप इस वाले पोर्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने से आपको फ्रीजर का पार्ट और ज़्यादा मिल जाएगा। लास्ट में मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, मैं स्ट्रॉन्गली इस रेफ्रिजरेटर को रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस रेफ्रिजरेटर को सजेस्ट करें। थैंक यू।